गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आज की शुरुआत हम वर्ल्ड मार्केट के साथ करते हैं। अमेरिकी बाज़ार हमेशा की तरह एक रोलर कोस्टर रैली दिखा रहा है। काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने मिल रहा है। कल का मार्केट अगर आप देखें तो फेसबुक मेटावर्स के रिजल्ट के पीछे काफ़ी नीचे था। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स नीचे आए थे, बट अगर आप देखें तो आफ्टर आवर्स जो अमेज़ॉन के नंबर्स निकल के आए उसके बाद हमने वहाँ पर तेज़ी देखी है और यूएस फ्यूचर्स अभी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे एक्टिविटी हम पिछले हफ्ते में कई बार हमने देखी है और हमें लगता है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, ट्रेडर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। और आज अगर आप देखें तो सिंगापुर निफ्टी इनफैक्ट 60-70 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। यूएस फ्यूचर्स के साथ साथ एशियन मार्केट्स में हैंगसेंग काफ़ी ऊपर है और अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 1.83 के करीब है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में हमने एक इंटरेस्ट रेट हाइक देखा है। साथ ही साथ जो डॉलर है वहाँ पे हमने वीकनेस देखी है और डॉलर इंडेक्स जो 97 के करीब था अभी वो 95 के करीब आया है। हमने कल भी ये बात की थी कि जो डॉलर है वो हमें काफ़ी क्लोजली ट्रैक करना है, बॉन्ड यील्ड को ट्रैक करना है। बॉन्ड यील्ड बढ़ा है लेकिन डॉलर इंडेक्स में अगर एक अच्छा करेक्शन अगर हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में अगर दिखाई देता है तो ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इससे जो आउटफ्लो हो रहा है इंडियन इकोनॉमी वो थोड़ा थम सकता है और इसी वजह से हमें लगता है कि जो 97 से लेकर 95 के लेवल्स के करीब आया है ये पॉजिटिव है। और इसकी वजह से इंडियन रुपी में आज अगर हम शायद अगर थोड़ा सा अगर एप्रिसिएशन और देख सकेंगे तो ये अपने मार्केट्स के लिए अच्छा हो सकता है। FIIs ने ऑप्शंस में अपनी पोजीशंस को वैसे देखा जाए तो कॉल्स के बेसिस पे बढ़ाया है, पुट के बेसिस पे घटाया है और इंडेक्स फ्यूचर्स भी काफ़ी कम हुए हैं जो शॉर्ट की तरफ थे। तो थोड़ा हमें लगता है कि इसका मार्केट के लिए एक डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा। 17501 मार्केट के लिए 17500 इज़ अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट। बिलो 17500 हमें लगता है कि 17450 भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और 17,450 एक्टेड एज वेरी गुड सपोर्ट ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट। सो बजट के अनाउंसमेंट के टाइम पे 17,450 17,450 में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना था एंड उसके बाद हमने एक बड़ी रैली भी देखी थी। सो 17,450 हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे आप पोजीशंस लॉन्ग की ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 17,400 का और अगर आप ऊपर के लेवल्स को अगर कैलकुलेट करते हो तो हमें लगता है कि 17,650 ये एक मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आज की क्लोजिंग मार्केट अगर वापस 17,700 प्लस कर देता है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 17,800 ये इम्पॉर्टेंट हर्डल बना रहेगा क्योंकि वहाँ पे 20 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है एंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑलवेज एक्ट्स एज मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो जब तक ये मार्केट जब तक उस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें लगता है कि 17,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर बिल्कुल हम 18,000 के लेवल्स देख सकते हैं और करेक्शन में अगर मार्केट अगर कंसिस्टेंटली 17,400 के भी नीचे रहा तो फिर ये मार्केट के लिए थोड़ा दिक्कत भरा सीन होगा और हम 17,200 के लेवल्स उस केस में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 38,750 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में एक ब्रॉडर आउटलुक जो है उसके लिए वो पॉजिटिव है और इस वजह से हमें लगता है कि 38,750 अराउंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। 39,750 39,950 ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। आज के लिए हम वापस एक बार फाइनेंशियल्स कमोडिटीज़ और साथ ही साथ कुछ एक ऑटो कंपनीज पे फोकस करेंगे टू टेक सम लॉन्ग ट्रेड्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी हमें फोकस करना है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है और मोस्टली हमने देखा है कि रिलायंस इज़ अ मार्केट परफॉर्मर। सो अगर मार्केट अगर इतने दिनों में 700 पॉइंट अगर बढ़ा है तो रिलायंस में भी हमें आने वाले दिनों में डेफिनेटली कोई ना कोई पुलबैक देखने मिलेगा। इसी वजह से 2300 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को भी लॉन्ग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। With this, I am ending today's morning podcast. Thank you very much for listening in and have a great day to all of you.